रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है वे तो वैसे ठीक है। मैं हाँ मोहम्मद वसीम, यूट्यूब चैनल वसीम सराकी वीलॉग। आज का वीलॉग जनाब भावलपुर की सैर तफरी करनी आप तो को मुख्तलिफ पुराने नवे मकाम की सैर करवे स। और आज का जो टूर है ना वो अपने कमरे के नाल है, कमरे मेरी पिछे खड़ी थी। इस टाइम मैं मौजूद हाँ जखीरे च भावलपुर स्टार्ट थी पहले जो जखीरा आते उतना कर। आज के वीलॉग स्टार्ट करने तो पहले सारा चैनल को सब्सक्राइब करे सो, अगर फेसबुक से भी फॉलो जरूर करे सो। तो हूँ करें अज का मजेदार वीलॉग स्टार्ट। जी दोस्तों, ये थाने पे सामने ट्रैक्टर काम करना पे ये भावलपुर भावलपुर की जानवर मंडी इतना के तमाम जानवर जो चोलिस्तान तू भावलपुर तू वरना पल्ला माने वो इतना ही करा के सेल थी ने ये कम अज़ कम एक मुर्पे चे। और माशाल्लाह भावलपुर की बहुत बड़ी मंडी है, इतना के जरूरत ही हर शै मिलती है। जी दोस्तों, अगर तुम अहमदपुर तरफ आसो तो जरा ये चौक है भावलपुर का ओल्ड बाईपास। और ई साइड से वैसो मैं नेशनल हाईवे से और सीधा जो है ना सरकार हाउस फतल दुबई चौक पब्लिक स्कूल और बावल नगर ई रोड तो सारी सब्जी मंडी भावलपुर की। और इतना के जरूरत हर चीज़ सुबह सुबह मिलती है और माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मंडी है सारी भावलपुर की। और इधर कम अज़ कम दो दरवाजे हैं, लेकिन एक बैक है मेन दरवाज़ा वो पिछला है। ये मेला चौक और साथ ही गुरुद्वार साथ ही मेन गेट। और अगर तुम सामने इस तरफ से वेसो तो सीधा रेलवे स्टेशन है, सामने जो है ना सा ईदगाह है बहुत ही खूबसूरत जिंदा मीनार तक नजर आना पे ईदगाह है। और इस टाइम मैं मौजूद हाँ मेलाज चौक के उत्ते रस्ता सीधा बना पे ना मेलाज चौक वाले पास ये अड्डे तो वेंदे और ये है मेलाज चौक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये रोड जो है ना सीधा प्लाजे से और हस्पताल विक्टोरिया हस्पताल वाले शहर से मिले। चौक फोरा खत्म है नंबर वन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुपर बीपी सुपर प्लाजा जिसको अस मोबाइल सारा समान गिने हैं। ये तो आपको चौक फोरे को थोड़ी जी दूरी तो तू एला वैसे और इस अगर थोड़ी अगर वैसे तो इतना तो आपको मिल सी विक्टोरिया हस्पताल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्यों परेशान खड़े थे? एल सी डी और ए जैकेट है और एक जैसे इतना ए पेन ए न्यू है न्यू पेन एक एक छोटे बस पेन स्टैंड से मोटरसाइकिल पसा तक रहे थे कटें बदे इस औखा अच्छी समान जो है ना आप गिनगी से इस्तेमाल कर सारा कोई समान थोड़ा गिनना इतने होना बस उसने अगर हो मतलब सारा पैसा एक प्लाजा जो है ना और सामने है ए प्लाजा है ये भी इतों भी हर शे मिल जाती है हम देना एक बाइक को पैसे आओ शिदा दे पकाया गया। ये सी भावलपुर का मेन ईदगाह तो माशाल्लाह कितने कदीम पड़े हुए हैं आज भी माशाल्लाह उ ही आबाद हैं। इन तारीख का तो कोई इलम ज़्यादा कह नहीं लेकिन इनका मेन गेट है इंटर थे वन का, बाकी इनका छोटे छोटे गेट वो हैं और मेन ही सैड तो आते कोई चौक वाले। जी दोस्तों, भावलपुर ईदगाह के चार खूबसूरत मीनार हैं और ये भावलपुर की खूबसूरत ईदगाह है। अगर मैं तो करीब पूरी खा देव तो बहुत ही खूबसूरत ईदगाह है और इंदे च निम दे सुफेदे दे और शरीन दे दरख्त हैं और ये भी एक मीनार है खूबसूरत माशाल्लाह। और उस बाद एक मीनार ये है और बिया मीनार मैं तो दिखा चुका हाँ ये एक छोटा जहाँ दरवाज़ा है और इनका मेन गेट भावलपुर का ये है और बहुत ही कदीमी ईदगाह है।
भवलपुर शहर के सत गेट हैं जे अगर सत गेट खुल दिया तो भवलपुर शहर में इंटर शिकारपुरी गेट और तो बाद है बूहड़ गेट। बूहड़ गेट इस वास्ते इंदा ना है कि इतना के बहुत वड़ा एक दरख्त है बूहड़ दा ही वजह तो इंदा ना बूहड़ गेट रख लेता है। और इस तो बाद जरा बिया गेट है वो है मुल्तानी गेट। मुल्तानी गेट इंदा ना इस वास्ते कि जितने भी मुसाफिर मुल्तान चो आंदे हैं वो ही गेट जो दाखिल थी ही वास्ते इंदा नाम मुल्तानी गेट है। इस तो बाद जरा अगला गेट है वो है सी अहमदपुरी गेट। जितने मुसाफिर अहमदपुर सफर करके आए वो ही गेट नाल दाखिल थी भवलपुर शहर बाजार के अगो है मोहरी गेट। मोहरी गेट बहुत ही प्यारा गेट है सही इन बारे पढ़ गए सो उस बाद फरीद गेट। फरीद गेट बहुत मशहूर है सही गेट के उत्ते दही बल्ले वाले मशहूर हैं तुम दवाई सो दही बल्ले खास हो तो गेट भी देख सो इन शाह जी। दोस्तों इस तो बाद है अगला डेरावरी गेट जरा कि मेन रोड के उत्ते है पिया। और डेरावरी गेट का ना इस वजह रखा कि जितने भी काफिले आने हैं डेरावर चोलिस्तान तो वह ही गेट दाखिल थी हम वासी उनका ना डेरावरी गेट रखा गया। तो जनाब अज का वीडियो किमें लगी उम्मीद करना अभी भी तो अच्छी लगी उसी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सो। अल्लाह हाफिज़।